सभी दलीय नेताओं की भावनाओं से अपने आप को संबद्ध रखते हुए आपको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आपके निर्वाचन के समय हम लोगों ने कहा था कि आपका ये कार्यकाल ये नई परंपराओं का, कीर्तिमानों का कार्यकाल हो, ये हम सभी की शुभेच्छा थी। उसी तरह की आपकी कार्यशैली है और ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। श्रीमान, एक निवेदन है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कभी कुछ देंगे नहीं, वो शास्त्रों में कहा गया है, निपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, तो आगे का नहीं कहेंगे। लेकिन श्रीमान, इतना विचार जरूर किया जाए कि 403 विधायक हैं और इसमें कोई सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं है। अगर सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमारे क्षेत्र में पेयजल के लिए हैंडपंप की आवश्यकता है, भले आप सदन में मत घोषणा करिए, लेकिन आप जहां से होना है वहां इसको अवश्य हम लोगों की बात पहुंचाइए। क्योंकि अगर आपसे कुछ कहते हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का एक बड़ा ही चुप करा देने वाला एक वक्तव्य है कि तुम घुटने के डॉक्टर से जो है दांत के दर्द की दवा मांग रहे हो। तो हमने कहा कि या तो दांत के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए और या दांत के डॉक्टर से दांत के दर्द की दवा। और श्रीमान, जहां तक जीएसटी की बात है, इतना अवश्य है कि जो भी हम लोगों के हाथ में विधायक निधि आए वो उतना ही जो है बाहर संदेश जाना चाहिए। अलग अलग ढंग से जीएसटी को लोगों ने जोड़ा है, कोई कह रहा है 18%, तो 4.25 है तो 4 मिलेगा, 4.25 मिलेगा, जो भी मिले। आपकी तरफ से यही आना चाहिए कि इतनी विधायक निधि है और ये हमने या तो जीएसटी मुक्त करके पूरा 5 करोड़ दे दीजिए, और नहीं तो 4 करोड़ अगर मिल रहा है तो उसको 4 ही करोड़ बताया जाए, 5 करोड़ न बताया जाए, क्योंकि जनता ये समझेगी कि हमको बहुत। और ये श्रीमान पूरे सदन की भावना है, इसके साथ ही विधानसभा के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमान, एक मांग छोटी सी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आई है कि जितने दिन सदन चलता है इनको पौष्टिक आहार भत्ता पुलिस कर्मियों के बराबर दिया जाना चाहिए। इस पे आप कृपा पूर्वक विचार करें, यदि संभव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विधानसभा का धन्यवाद।